ओके दोस्तों, आ चुका है दोस्तों TCL के तरफ से एक धमाकेदार 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों TCL एक वेल नोन ब्रांड है, तो आप इसके टीवी पे एक नजर डाल सकते हैं। लुक एट द डिस्प्ले, जस्ट वाओ। चलिए गाइस, आज करते हैं इस टीवी की अनबॉक्सिंग, दूंगा मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन और जानते हैं यार आखिर क्या खास हमें देखने को मिलता है TCL के इसी नए लेटेस्ट टीवी में। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है टीवी बहुत ही बड़ा है, इसलिए दोस्तों मैंने बॉक्स को पहले ही ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको TCL का ये 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी का जो बॉक्स है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों TCL के 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी का फर्स्ट लुक। आप देख सकते हैं आपको कितना बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस टीवी के कुछ खास और मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी की और भी बहुत कुछ। इस टीवी की दोस्तों अगर हम सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं तो दोस्तों ये टीवी आता है हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल के साथ। यस, आप इस टीवी को दोस्तों वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कई बार आपके जो टीवी का रिमोट है वो खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, आपको इजीली नहीं मिलता, तो कई बार आप परेशान हो जाते हो। बट दोस्तों अब TCL की टीवी के साथ ऐसा झंझट जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। यस, इस टीवी को दोस्तों आप वॉइस से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, आपको रिमोट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। TCL का दोस्तों ये टीवी सर्टिफाइड है गूगल हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल से, एंड दोस्तों जो वॉइस कंट्रोल है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है, ये टीवी आता है AI इनके साथ जो कि साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। यही नहीं दोस्तों, इस टीवी की खासियत यह है कि आपके घर में जितने भी स्मार्ट होम डिवाइसेस है उन सभी को दोस्तों आप इजिली कंट्रोल कर सकते हैं इसी टीवी से। इंटरेस्टिंग है ना। वैसे TCL का दोस्तों ये टीवी आता है एंड्रॉइड पी वर्जन के साथ, जिसमें दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल जाता है, जहां पर दोस्तों आपको 5000 प्लस से ज्यादा एप्स डाउनलोड का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि YouTube हो गया, Netflix हो गया, Amazon प्राइम वीडियो हो गया, मतलब सारे जितने भी नेसेसरी ऐप है दोस्तों उन सभी का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है। ऐप्स को आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो दोस्तों टीवी में गेमिंग भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ में दोस्तों टीवी में आपको रेडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ये तो था दोस्तों इसके कुछ खास फीचर्स। चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले TCL की इसी 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी के डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी टीवी में जो डिस्प्ले क्वालिटी होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो शुरुआत करते हैं हम टीवी के स्क्रीन से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ये TCL का दोस्तों P715 मॉडल है, और मैं यहां पर कहूंगा कि जो स्क्रीन है वो जस्ट वाव है। आप डिस्प्ले को देख सकते हैं, कमाल का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये आता है दोस्तों 75 इंच स्क्रीन के साथ, यस, जो कि एक 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी है। एंड यस दोस्तों यहां पर आपको फुल स्क्रीन डिजाइन का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो दोस्तों जो स्क्रीन है, जो फुल स्क्रीन है, वो फुली बेजललेस डिस्प्ले है। यहां पर आप देख सकते हो जो बेजल से वो आपको करीब ना के बराबर देखने को मिलते हैं, जिससे ओवरऑल दोस्तों आपको जो मूवीज देखने का, वीडियोज देखने का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो कमाल का हो जाता है। तो नो डाउट दोस्तों यहां पर आपको इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाता है इस TCL टीवी में। मतलब आप देख सकते हो यार डिस्प्ले कितना बड़ा है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलता है, और जो आप बेजल्स देखोगे ना वो भी बहुत ही कम ना के बराबर है। मतलब आप अगर इसमें किसी तरह के मूवीज वीडियोस देखोगे तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप किसी एक मूवी थिएटर में कोई मूवी देख रहे हो। यस दोस्तों, वाकई में देखा जाए तो कमाल का मैं कहूंगा डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो टीवी है और भी साइज में अवेलेबल है, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच। मेरे पास दोस्तों ये वाला जो टीवी है वो 75 इंच वाला टीवी है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों TCL के इसी टीवी के पिक्चर क्वालिटी की, और आप सभी लोगों को पता है किसी भी टीवी में दोस्तों जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब यहाँ पे दोस्तों पिक्चर क्वालिटी में TCL ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है, क्योंकि दोस्तों ये टीवी आता है 4K रेजोल्यूशन के साथ, जहां पर आपको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन दिया गया है, जो आपको स्टनिंग पिक्चर क्वालिटी देता है
आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको रिच कलर देखने को मिलता है एंड ये टीवी आता है दोस्तों HDR 10 टेक्नोलॉजी के साथ। आप देख सकते हैं आपको दोस्तों जो कलर रिप्रोडक्शन, जो विंग एंगल है वो एब्सोल्युटली कमाल के देखने को मिलता है। यही नहीं दोस्तों, टीवी में आपको माइक्रो डिमिंग का सपोर्ट मिल जाता है जिसकी मदद से ओवरऑल जो आपका विंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाता है। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं दोस्तों TCL के इसी टीवी के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। एंड आपको पता है किसी भी टीवी में डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको पता है दोस्तों एक टीवी को प्रीमियम और ड्यूरेबल बनाता है उसकी बिल्ड क्वालिटी। TCL ने दोस्तों यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये टीवी आता है दोस्तों मेटलिक बॉडी के साथ जहाँ पर आपको प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों मेटलिक बॉडी होने के साथ यहाँ पर आपको ये एक ऑथेंटिक लुक भी देता है। सीरियसली मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी, मैं कहूँगा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बिल्ड क्वालिटी भी आपको इस टीवी में बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाता है। इस टीवी को खास बनाता है दोस्तों इसका स्लिम डिज़ाइन। यस, एक्चुअली में बहुत ही स्लिम है दोस्तों। अगर आप इसे वॉल पे इजिली माउंट भी करते हो, ये इजिली माउंट तो हो ही जाता है, लेकिन अगर इसे आप वॉल पे माउंट करते हो तो दोस्तों टीवी और वॉल के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम दिखता है। यस, सीरियसली मैं कहूँगा कि जो टीवी है वो देखने में और लुक वाइज काफ़ी स्टाइलिश है। तो अगर दोस्तों मैं अपने फर्स्ट इम्प्रेशन की अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की, सीरियसली दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रेसिव लगा डिज़ाइन वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज और डिस्प्ले वाइज। मैं कहूँगा TCL ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों टीवी के रिमोट की और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और कनेक्टर की। तो यह है दोस्तों इस टीवी का रिमोट, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, क्यूट सा रिमोट है, कॉम्पैक्ट है, जहाँ पर दोस्तों आपको ये माइक्रोफोन मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों आपको गूगल असिस्टेंट का बटन भी मिल जाता है। मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पर गूगल असिस्टेंट को रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों पोर्ट्स और कनेक्टर की बात करते हैं तो बैक साइड में दोस्तों आपको दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, एक लेन पोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको 3 HDMI पोर्ट दे रखा है, साथ में आपको यहाँ पर एंटीना केबल इन का भी दे रखा है और साथ में आपको ऑडियो वीडियो इन का भी दे रखा है एंड साथ में यहाँ पर आपको ईयरफोन या फिर हेडफोन के लिए 3.5 mm जैक भी दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों साउंड क्वालिटी की। एंड आपको पता है कि दोस्तों टीवी में जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टीवी में अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छा है दोस्तों, डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन अगर साउंड अच्छा ना हो तो जो मज़ा है ना वो किरकिरा हो जाता है। तो TCL का दोस्तों ये टीवी आता है 30 वॉट स्पीकर के साथ जिसमें आपको डॉल्वी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। तो यार और क्या चाहिए, मतलब आपको अलग से किसी भी तरह के वूफर या फिर स्पीकर को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इजीली अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करवा देता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के जो साउंड है वो आपको देता है। तो अभी जो साउंड है दोस्तों वो फिलहाल 0 है, आप देखते हैं कितना होता है। ये 50% पे साउंड है, आई डोंट नो आप सुन पा रहे या नहीं सुन पा रहे। मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसे, 100% कर देता हूँ। ये है दोस्तों 100% साउंड, मतलब साउंड अगर देखा जाए तो बहुत लाउड है। आई डोंट नो मेरी आवाज आपको आ रही ना आ रही, मैं कम कर देता हूँ। तो ये थे दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो अभी तक तो दोस्तों हमने बात करी टीवी की यहाँ पर साउंड क्वालिटी की, पिक्चर क्वालिटी की, डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसके रैम और स्टोरेज की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में परफॉर्मेंस की भी। TCL का ये 4K टीवी आता है दोस्तों पावरफुल हार्डवेयर के साथ जिसमें आपको मिलता है 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, जहां पर आपको दोस्तों 2GB की रैम मिलती है और 16GB का स्टोरेज मिलता है। सो यस, आपको टीवी में जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों टीवी में आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी मिलता है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टीवी में आपको ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिल जाता है। यही नहीं दोस्तों, ये जो टीवी है वो यूट्यूब सर्टिफाइड है, नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड है, साथ में Amazon Prime Video भी सर्टिफाइड है। सो ये था दोस्तों TCL का 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी। वेल, अगर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं ना तो सच बताओ तो मुझे ये टीवी ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। यस, चाहे मैं बात कर लूँ इसके पिक्चर क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की, या फिर मैं बात कर लूँ इसके साउंड क्वालिटी की, यहाँ पर मैं कहूँगा कि यस, TCL ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया है अपने इसी नए
टीवी में। वेल दोस्तों, आपको इस टीवी के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसे चेकआउट भी कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। वैसे अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये TCL का 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी कैसा लगा, क्या है आपके ओपिनियन इस टीवी को लेके, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर दबा लेना, कुछ भी सालों नीचे कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। एंड हाँ, मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।